टोनी स्टॉक मैं तुझे सच में बोल रहा हूँ, वो ना एक ऑल फादर स्टार एंड सन गॉड का सूट है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा चल ठीक है, मैं तुझे अपने स्मार्टफोन से दिखाता हूँ। गाइस अभी ना मैं टोनी स्टॉक को मेज बैंक पर लेकर आया हूँ, क्योंकि ये मेरी बात को यकीन नहीं कर रहा था। यहाँ पर एक सूट है जिसको कहते हैं ऑल फादर सन एंड स्टार 10 हेडेड सूट। गाइस मुझे बिलीव है, अगर मैं सूट को पहन लूँ तो मैं दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक और एज वाला ऑल फादर 10 हेडेड सन एंड स्टार गॉड बन जाऊंगा। तो गाइस मैं तो जा रहा हूँ सूट को पहनने के लिए इस वाले पर। अब फ्रैंकलिन रॉक मैं भी तो बैठ रहा हूं। तो गाइस लगता है टोनी स्टार्क को हमारी बात का यकीन हो रहा है। अगर आप सभी मेरी बात पे यकीन करते हैं तो प्लीज जल्दी वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं उस सूट को लेकर रहूंगा, आज मुझे उस सूट को लेने से कोई रोक नहीं सकता। अब फ्रैंकलिन आराम से चला हेलीकॉप्टर, मुझे डर लग रहा है टोनी स्टार्क को कूदना पड़ेगा। अब फ्रैंकलिन मरवा दिया। ओके गाइस फाइनली हम ऑल फादर सन स्टार गॉड पर आकर कूद तो गए। फ्रैंकलिन यार देख ये कितना विशाल सूट है भाई, तू सही कह रहा था यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अबे भाई कौन कौन से कलर के सूट है फ्रैंकलिन इस पर, मुझे भी तो यही देखना है भाई। रेड ब्लू ग्रीन पता नहीं कौन कौन तरह के 10 हेड ऑल फादर सन स्टार गॉड है, लेकिन मैं इसको पहनूंगा आज पहली बार। अबे मैं पहनूंगा? अबे एक मिनट, मैं तो इसको पहन ही नहीं पा रहा हूँ फ्रैंकलिन, मैं जा नहीं पा रहा हूँ, तू जाके देखेगा। एक मिनट फ्रैंकलिन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पेपर में कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं? मेरे हिसाब से जरूर कोई ना कोई टेक्निक होगी इसको पहनने की, अभी चेक करता हूँ। ये क्या, टू गेट दिस सूट डिस्ट्रॉय रियल स्टार गॉड स्पेशल रियल स्टार, और भाई अभी समझ आया। बाकी तीसरा क्या, लाइक सब्सक्राइब एंड कॉमेंट में ATKMR OP लिखवाना है। ओके गाइज कॉमेंट में जल्दी से ATKMR OP लिख दो। बाकी फ्रैंकलिन मेरी बात सुन, हमें ना रियल स्टार गॉड को ढूंढना होगा और उसके कुछ स्पेशल स्टार्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करना होगा। लगता है इस वाले सूट की उससे दुश्मनी है, अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये वादा करता है कि ये हमें अपने आप को पहनने देगा, फिर तो बहुत ही सही हो जाएगा। गाइस प्लीज अब तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब, हमें आप सभी की मदद की जरूरत चाहिए। लेकिन हम रियल स्टार गॉड को ढूंढेगा, मैंने सुना है वो असल में ट्रैव वाले एयरपोर्ट की तरफ अभी आया है हाल ही में, वो बहुत खतरनाक है इसलिए लोग जाते नहीं है वहां पर। लेकिन हम तो जरूर जाएंगे क्योंकि गाइस मुझे ये 10 हेडेड ऑल फादर सन स्टार गॉड का सूट चाहिए, तो ये तो करना पड़ेगा। फ्रैंकलिन मैं भी तेरे पीछे आ रहा हूं, मुझे भूलना मत, इसमें से 5 हेड मैं ले लूंगा, 5 ले लियो, अरे हम साथ में मिलकर चलाएंगे ना सूट को, ये ज्यादा बढ़िया रहेगा। बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, चल तो पूरी स्पीड में निकलते हैं यहां से। गाइस अब जा रहे हैं हम पूरी स्पीड में, यहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके से जाएंगे। और भाई टोनी स्टार्क ये स्टार गॉड तो कुछ ज्यादा ही विशाल है, और क्या तूने इसको बच्चा समझा था, ये रियल स्टार गॉड है। फ्रैंकलिन मैं तुझे एक चीज दिखाना चाहता हूं अपने ड्रोन से, ये जो स्टार गॉड है ना इसके कुछ स्पेशल स्टार हैं जिनको हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। लेकिन इसके स्पेशल स्टार होंगे कहां पर, यही चीज तो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। अबे नीचे कुछ हो रहा है देखना, जादूगर टाइप का। ओ माय गॉड यहां पर इतने सारे स्टार हैं, इनमें से रियल स्टार कौन से होंगे स्पेशल वाले, जरूर इस जाल में कैद ये रियल स्टार ही होंगे। अगर हम इनको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। फ्रैंकलिन देखने में तो इतना आसान लग रहा है, लेकिन ये स्टार गॉड है इसने गलती से भी अगर हमें देख लिया तो खत्म कर देगा। मेरे पास एक आइडिया है, हम वैसे भी छोटे से हैं तो छोटी चीजों को बड़ी चीज बहुत ही मुश्किल से देख पाती है, इसलिए हम छुप छुप के जा रहे हैं। लेकिन भाई वो एक गॉड है, गॉड कुछ भी देख सकता है। बात तो सही कह रहा है, लेकिन अब क्या करें, जिए बिना मरा नहीं जाता। और ये क्या कह रहा है तू, मेरा मतलब खेले बिना रहा नहीं जाता। अरे बाप रे एक मिनट, ये कौन आ गया? मोर तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? अबे फ्रैंकलिन फंस गए हम तो, अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि असल में हम यहां पे से बचेंगे कैसे। आइडिया, हम यहां से भाग निकलते हैं। बाहर फ्रैंकलिन मार दिया, भागने की कोशिश करोगे तो और मारूंगा, निकल जाओ यहां से, खत्म कर दूंगा। टोनी स्टार्क फंसवा दिया रे तूने। अब मेरे पास कोई और प्लान था भी नहीं भाई, अब क्या करें, ये स्टार गॉड तो हमें खत्म कर देगा, ये अपने स्टार्स को डिस्ट्रॉय करने नहीं देगा, ऐसे तो हम पिटते रहेंगे। अरे बाप रे गाइस, हमें कुछ और ट्रिक रचवानी पड़ेगी। टोनी स्टार्क तू एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, तू इतना बड़ा मैकेनिक है यार, तो कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना प्लीज, जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन। पहले मेरे पास एक तरीका है, वैसे मेरे पास एक ऐसा गैजेट है जिसका इस्तेमाल करके मैं किसी भी चीज का रूप ले सकता हूँ, कोई भी लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग। तो तू क्या कह रहा है? देख ये गैजेट का इस्तेमाल करके हम पत्थर बन जाएंगे। लेकिन नहीं भाई वो पहचान लेगा, तो हम घास बन सकते हैं, घास। ये बात तू सही कह रहा है, चलो तो गाइस काम करते हैं, हम जाते हैं और जाकर सबसे पहले घास बनते हैं। कौन सी वाली घास बने? लेकिन टोनी स्टार्क मुझे क्या लगा, रुक 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 घास मत बन, घास मत बन। लेकिन घास क्यों नहीं बनो, हम ना स्टार बन जाते हैं, क्योंकि वैसे भी स्टार गॉड के जो ये प्रोटेक्टर है ना वो स्टार हैं, तो वो समझेगा कि हम उसके प्रोटेक्टर हैं। बात तो सही कह रहा फ्रैंकलिन, तू जीनियस वाली बातें कर रहा है। ये है स्टार गॉड और ये मैंने इस पे लगाया सामने, कमॉन 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 कमॉन, हो जा हो जा। अरे वाह फ्रैंकलिन मैं तो स्टार बन गया, मैं भी बन गया भाई। गाइस हम, मैं और टोनी स्टार्क, अबे टोनी स्टार्क तो तू है, सॉरी टोनी स्टार्क और गाइस फ्रैंकलिन, यहाँ हम दोनों बन चुके हैं स्टार और हम फाइनल के पास आ गए। फ्रैंकलिन मेरी पास उन चुपचाप से ना यहाँ पे बॉम्ब लगा रहा 15-20। अरे भाई गाइस मैं इसके अंदर आ गया हूँ, अभी देखिए गाइस ये कितने स्पेशल स्टार है, हमारे तो 3 कोने, इसके 5 कोने, तभी ये स्पेशल स्टार है। टोनी स्टार्क मैं यहाँ पे बॉम्ब लगाने जा रहा हूँ, फ्रैंकलिन जल्दी कर, इससे
पहले कि स्टार गॉड को पता चले। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ स्टार जैसे ही ब्लास्ट हो जाएंगे ये, उसके बाद होगा क्या? अरे हमें 10 एडिट ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड को सूट मिल जाएगा ना। बात तो सही कह रहा है फ्रैंकलिन। चल हमारा काम हो चुका है, निकलते हैं यहाँ से। अभी मैं तो भग गया ऑलरेडी, तू भी आ जा। आ रहा हूँ फ्रैंकलिन। देखिए हमने यहाँ पे ब्लास्ट किया। अरे नहीं, ये क्या गाइस, स्टार गॉड को क्या हो रहा है गाइस? जैसे उसके स्पेशल स्टार फटे, यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई इसके साथ। बर्बाद कर दूंगा जिसने मेरे स्टार गॉड को प्रवास है, मेरे स्पेशल स्टार, फाड़ दिया उनको जान से मारो। फ्रैंकलिन रुक जा, यही रुक जा, जहाँ पर हिलना मत, नहीं तो वो पहचान जाएगा कि असल में हम कोई इविल है और उसने, हमने ही उसके स्टार को फाड़ा है। कौन है, कौन घुसपैठनिया है जिसने मेरे स्टार गॉड को फाड़ दिया, मेरे स्पेशल स्टार को फाड़ दिया? अबे ये जाएगा कैसे यहाँ से? चिंता मत कर, एक बार इसको जाने दे, मैं ढूंढ लूंगा जो भी है। फ्रैंकलिन चुपचाप निकल, वो जा नहीं रहा है। ठीक है चलते हैं गाइस, मैं और टोनी स्टार्क निकल रहे हैं। लेकिन एक मिनट, हम हमेशा स्टार बनेंगे? नहीं, तू जब चाहे जादू खत्म कर सकता है। ऐसा क्या? मैं चाहता हूँ कि मैं फ्रैंकलिन बन जाऊँ। गाइस मैं बन गया फ्रैंकलिन, मैं भी टोनी स्टार्क बन गया। गाइस फाइनली मैं और टोनी स्टार्क आ चुके हैं मेज बैंक पे वापस, हमने अपना टास्क कर दिया है। अब गाइस आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि अब हम ना पहनने वाले हैं 10 हेडेड ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड के सूट को। बिल्कुल फ्रैंकलिन, कम ऑन चॉपर घोड़ा। गाइस वो रहा हमारा सामने बहुत ही कमाल 10 हेडेड ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड का सूट, और अभी हम उसके बहुत ही करीब पहुंचे जा रहे हैं। मुझे तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। फाइनली हम फाइनली पहुंच चुके हैं, हमने लैंड कर लिया है। फ्रैंकलिन सबसे पहले मैं पहनूंगा सूट को। नहीं मैं पहनूंगा। गाइस जल्दी भगो से स्टार्क। फ्रैंकलिन रुक, आ रहा हूं, रुक जा। अबे टोनी स्टार्क क्या हो गया, कैसे मुंह लटका रखा है? जाना पहन इसको। मैं सोच रहा हूं यार कि यहां पर पहनते कैसे इसको। अबे इसके हेड पे जाना, इसके मुंह के अंदर, अच्छा ऐसा। लेकिन मैं जा क्यों नहीं पा रहा हूं आगे? अबे फ्रैंकलिन तू बेस्ट तरीके से ट्राई कर। करता हूं गाइस, करता हूं। ये गया। अरे मैं जा क्यों नहीं पा रहा गाइस, मैंने लिटरली में टास्क कर दिया पूरा। क्या आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया गाइस वीडियो को? प्लीज अगर दो जल्दी से, वरना ये सूट मुझे पहनने नहीं देगा अपने आप को। जल्दी लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब, साथ-साथ में कमेंट में एटी गेमर ओपी भी लिख दो। फ्रैंकलिन कम ऑन, यू कैन डू इट। अरे कर तो रहा हूं। अरे ये कौन मारा? अब फ्रैंकलिन लगता है यार ये सूट तो फेक है, हमें अपने आप को पहनने नहीं दे रहा है। अरे भाई एक मिनट टोनी स्टार्क, ये तो मेरी शक्ल का कोई सूट है। फ्रैंकलिन ये तो ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड का हल्क वर्जन वाला सूट है। हल्क वर्जन वाला सूट? हां बिल्कुल, ये हल्क की बॉडी से स्पेशली बनाया गया है। शायद पहला टास्क करने पर हम दोनों को ये सूट मिले। पहला टास्क करने पर तो कहना क्या चाह रहा है? मेरे हिसाब से जरूर आसपास कोई और पेपर होगा जो हमने मिस कर दिया होगा। नो, इसका मतलब गलती हमारी है। बिल्कुल, पेपर ढूंढो और चेक करो कि असल में उसमें दूसरा टास्क है या नहीं, फिर जाके कंफर्म होगा। गाइस पेपर बगल में रखा है हमारी लिटरली, अभी इसको पढ़ के देखते हैं। और इसमें है दूसरा टास्क, स्टील मिस्टर मिक्सिट 5 हेडेड ब्लैक हल्क सूट्स। व्हाट गाइस, 5 हेडेड ब्लैक हल्क के सूट को हमें चुराना है, वो भी मिस्टर मिक्सिट से? लेकिन ये मिस्टर मिक्सिट मिलेगा कहां पर टोनी स्टार्क हमें? ये बात तो मुझे इंटरनेट से पता लगेगी। जावेस मेरा फोन एक्टिवेट करो। ओके सर। चल फ्रैंकलिन अब चेक करते हैं न्यूज़ पे क्या चल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज़, मिस्टर मिक्सिट ने अभी अभी अपने 5 हेड को बहुत ही खतरनाक तरीके से टेलीपोर्ट कर दिया है, दूसरी दुनिया में खुद भी चला गया है, क्योंकि उसके पीछे रेड हल्क नाम का बहुत ही बड़ा मुजरिम लगा है। कौन लेगा उस 5 हेडेड ब्लैक हल्क सूट को? जो भी लेगा वो अमीर हो जाएगा। क्या, रेड हल्क के डर की वजह से मिस्टर मिक्सिट असल में अपने 5 हेडेड ब्लैक हल्क के सूट को दूसरी दुनिया में लेके चला गया है? फ्रैंकलिन मैं आ रहा हूं, रुक जा। गाइस हमें रेड हल्क को ढूंढना पड़ेगा, रेड हल्क के पास जरूर कोई ना कोई वे होगा जिसकी मदद से हम दूसरे वर्ल्ड में जाके मिक्सर मिक्सर के 5 हेडेड ब्लैक हल्क सूट को चुरा पाएंगे। पता नहीं वो कैसा सूट होगा। फ्रैंकलिन देख वहां पे रेड हल्क, ये खुश हो रहा है किसी ना किसी बात पर। ऐसी किस बात पर खुश हो रहा है गाइस, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो मुझे भी देखना है। यही पोर्टल है, सीधा जाऊंगा मिस्टर मिक्सिट के 5 हेडेड ब्लैक हल्क सूट को ब्लैक मार्केट में बेच लाऊंगा और दुनिया का सबसे ही बड़ा जायंट 15-20 हेडेड लावा गॉड बन जाऊंगा। अच्छा बेटा, लावा गॉड बनने का प्लान तेरा? ये ले चोर कहीं के, तेरी वजह से मिस्टर मिक्सिट दूसरे वर्ल्ड में चला गया, हमारा काम हैवी हो गया। गाइस अब तो मैं 10 हेडेड ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड को लेने के लिए सारे टास्क कर लूंगा। रुक, मैं भी आ रहा हूं, साथ में चलेंगे, ऐसा ना हो ये कोई डीकॉय हो। चिंता मत कर फ्रैंकलिन, हम साथ में जाएंगे, जो भी मुसीबत होगी साथ में लड़ेंगे और जीत कर आएंगे। ऑलराइट गाइस, अब जा रहे हैं इस पोर्टल के अंदर। फ्रैंकलिन मैं भी आ रहा हूँ। 1 2 अरे मैं भी आ रहा हूँ। आजा फ्रैंकलिन, कहाँ पर है तू? अरे ये इधर गिर गया। एक मिनट, ये कौन से वर्ल्ड में आ गए? ये तो हमारी दुनिया लग रही है हमें। मुझे भी कुछ डिफरेंट नहीं लग रहा है। एक मिनट, ये कौन है? अबे फ्रैंकलिन भाग भाई यहाँ से, ये तो ऑल फादर गॉड है। अरे ये तो रेड लाइटनिंग गॉड है फ्रैंकलिन। एक मिनट, इसके
पीछे भी कोई है? नहीं कोई भी नहीं है। अबे है देख तो, अबे फ्रैंकलिन ये तो गोल्डन स्टोन गॉड है, लिटरली में इन सभी को एंशियंट गॉड कहा जाता है, ये बहुत ओल्ड है एंड बहुत खतरनाक है, इससे पहले कि हमें पकड़ने भागो यहाँ से। आ रहा हूँ टूरिस्ट आ रहा हूँ, एक मिनट ये तुम्हारे पीछे आ रहे हैं फ्रैंकलिन, मैंने बोला था। अरे भाई मार रहे हैं ये तो फ्रैंकलिन, मुझे मार रहे हैं, दर्द तुझे क्यों रहा है? मैं भी पिट रहा हूँ भाई यहाँ पे। ओह नो गाइस, यहाँ पर चले थे हम मिक्सर मिक्सिट के फाइव हेड ब्लैक सूट को चुराने और हम ही पिट रहे हैं यहाँ पर। ओह नो गाइस, इन गॉड से भी बचना पड़ेगा। फ्रैंकलिन जल्दी से छुपते हैं यहाँ से, हमें जल्दी मिक्सर मिक्सिट का पता करना होगा, ये गॉड बहुत ही हैवी और खतरनाक है। ओके गाइस फाइनली हम यहाँ पर ना खेतों के एकदम बीच में छुप गए हैं जिससे कि वो हमें देख ना पाए। फ्रैंकलिन मेरे हिसाब से अभी तक उनका शक हमसे हट गया होगा, अब जल्दी से पता करते हैं कि असल में मिस्टर मिक्सिट है कहाँ पर। यार ये कौन सा वर्ल्ड है जहाँ पर हमें कोई आदम ना आदम जात दिख रहा है? एक मिनट फ्रैंकलिन, योप ओ माय गॉड फ्रैंकलिन, ओ भाई ये कोई साधारण सूट नहीं है टोनी स्टार्क। तभी सोचूं वो 10 एडिट सन स्टार गॉड के टास्क में सूट क्यों मंगाया गया था ये वाला, ये तो जायंट ब्लैक रिवेंजर का सूट है। और फ्रैंकलिन ये कौन है? और हम यहाँ जल्दी जल्दी रैम बनाता हूँ, मेरे को बच्चा लोगों को खिलानी और उनको ये 5 एडिट सूट गिफ्ट करनी, आज तो बहुत पैसा कमाऊंगा। ओ तो गाइस डॉक्टर मिक्सिट दूसरे वर्ल्ड में रेडल के डर से नहीं आया था, ये तो यहाँ पर अपना बिजनेस पूरा करने के लिए आया था। बिल्कुल फ्रैंकलिन डॉक्टर मिक्सिट बहुत चला गया, जहाँ देखो वहाँ पैसों कमाने की अपॉर्चुनिटी देखता रहता है। हाँ भाई एक काम करते हैं, इस वाले सूट को चुराते हैं। ओम यहाँ अब आज तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं आ, तुम मेरा सूट का चुराओगी, तुम्हें पता भी है मैं कितना खतरनाक हूँ। अबे टोनी स्टार्क मिक्सिट तो इधर ही आ गया, मेरा सूट का चुराओगा तुमको खत्म कर दूंगा। अबे यार हमें चुराने दो, अबे मिक्सिट, अबे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा बाद में, मुझे 10 हेडेड ऑल फादर सन स्टार गॉड का सूट लेना है, प्लीज ये करने देना भाई मिक्सिट। ओम यहाँ तुम पिटोगे मर जाओगे। अबे बहुत हो गया मिक्सिट, मैं तुझे बता, अब फ्रैंकलिन मैं तेरे पर इतना आसान क्या, तू मेरे को मार रहा है मैं तेरे को आगे से रैम निकलाऊंगा। अरे माफ करना मिक्सिट, लेकिन हमें करना पड़ रहा है। फाइनली गाइस हमने मिक्सिट को पीट दिया। अबे टोनी स्टार्क कहां पर है तू? अबे पीछे ही हूं मैं, जल्दी से उठ भाई हमें यहां से निकलना होगा। एक मिनट टोनी स्टार्क क्या हो गया, उठ जा तू। अरे भाई हड्डी पसली कर दी उसने मेरी, क्या करूं मैं, चलो अब जल्दी से निकलते हैं यहां पर हम। गाइस अब समय आ गया इस 5 हेडेड जायंट ब्लैक रिवेंजर सूट को अपनी दुनिया में निशाने का। बिल्कुल फ्रैंकलिन इस सूट को एक काम करते हैं, खुद से अटैच कर लेते हैं। ओके गाइस टोनी स्टार्क ने अपने आयरन के सूट से सूट को अटैच कर लिया और अभी हम दोनों जा रहे हैं यहां से उड़ के सीधा अपने वर्ल्ड में वापस। लेकिन हम वर्ल्ड में वापस कैसे जाएंगे मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद ऊपर जाते रहेंगे तो अपने वर्ल्ड में पहुंच जाए। अरे यार टोनी स्टार्क कहां गया तू? ए टोनी स्टार्क, अरे यार टोनी स्टार्क, अरे गाइस टोनी स्टार्क पता नहीं लगता है, अरे एक मिनट मैंने जंप जैसी मारी मैं मेज बैंक पे कहां से आ गया? टोनी स्टार्क कहां है तू? टोनी स्टार्क अबे फ्रैंकलिन मैं ऊपर आ जा। अरे गाइस टोनी स्टार्क तो यार ऊपर पहुंच गया और मुझे उसने बताया भी नहीं। खैर कोई नहीं, यहां पर हम भी जल्दी जाते हैं और इस 10 हेडेड ऑल फादर सन स्टार गॉड के सूट को पहन लेते हैं। टोनी स्टार्क कहां पर तू? आ गया मैं फ्रैंकलिन, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, सूट के साथ करें क्या, हमें उस सूट को यहीं छोड़ देना चाहिए। तो गाइस अब जल्दी से जाते हैं, अपना ये सूट मुझे रोक नहीं सकता। वाह इस बार मैं आगे जा पा रहा हूं। फ्रैंकलिन रुक जा मैं भी आ रहा हूं। गाइस मैं ऑल फादर सन एंड स्टार गॉड के मुंह के अंदर आ गया हूं। अबे रुक मैं भी कंट्रोल करूंगा। अरे अरे भाई भाई गाइस अब तो मजा ही आने वाला है, मैं और फ्रैंकलिन ऑल फादर सन एंड स्टार 10 हेडेड गॉड के वाले सूट के मुंह के अंदर आ गए हैं। अब गाइस इसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं। ऑलराइट गाइस देखिए हम कितने अंदर मुंह में घुसे पड़े हैं इसके। और गाइस आप सभी तैयार हैं देखने के लिए कि किस तरह से हमारा ऑल फादर सन एंड स्टार, ओहो गाइस यहां पे देखिए कितनी बढ़िया तरीके से सूट परफॉर्म कर रहा है, क्या बात है दोस्तों। अरे वाह काफी मजा आ रहा है मुझे तो। फ्रैंकलिन ये सूट तो बहुत ही ऑसम है। बिल्कुल गाइस इस सूट को पहनकर तो मजा आ गया, और हमारी सुपर पावर्स ये कितनी ऑसम है, रात को हम कितनी खतरनाक तरीके से ग्लो कर रहे हैं। गाइस अगर आपको इस तरह के वीडियो और देखने हैं तो प्लीज कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए, और हां बाकी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं गाइस वो भी देख लो, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।